नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है, इनकी एज 37 वर्ष है। इनके सवाल ये थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, गारमेंट्स का बिजनेस है वो कैसा चलेगा, मैरिज लाइफ में समस्याएं आ रही हैं तो क्या समस्या रह सकती हैं, क्या इन्हें करना चाहिए क्या इन्हें नहीं करना चाहिए। मुझे आपके हाथ में जो जो दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए, आपने बताया कि आपका बिजनेस ठीक चल रहा है, आपने बताया कि बिजनेस में दिक्कत आ रही है जो कि गारमेंट्स का से जुड़ा बिजनेस है। तो देखिए, अगर आपके हाथ में देखिए बिजनेस, जॉब, पैसा सब कुछ भाग्य रेखा से देखा जाता है, और अगर आपके हाथ में ध्यान से देखा जाए तो ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है। और आप इसमें खुद ही देखिए कि जैसे आपका जन्म हुआ यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा थी, इस प्रकार ये भाग्य रेखा अच्छी चल रही है, भाग्य रेखा अच्छी अवस्था में मुझे दिख रही है। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आप 20s 30s क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद भाग्य रेखा चल तो रही है बट इसमें कमजोरी आ रही है। और आप देख पा रहे हैं कि लगभग यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भाग्य रेखा में कुछ भी दमखम नहीं बचा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ भाग्य रेखा कितनी विजिबल दिख रही है, बट जैसे जैसे ये रेखा ऊपर जा रही है, जैसे जैसे ये रेखा ऊपर जा रही है इसमें कमजोरी आ रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस भाग्य रेखा में बिल्कुल भी मुझे कोई दम नहीं दिख रहा है। देखिए, ये आपके हाथ में समस्या मुझे दिख रही है। और देखिए, ये अभी आप 37 में है, ये मैं जो हिस्सा बता रहा हूँ ये 37 के बाद का ही है। लेकिन अगर बुढ़ापे में चले तो देखिए यहाँ पर तो हल्की सी दिख रही है, बट जैसे ही आप बुढ़ापे में पहुंचे भाग्य रेखा बिल्कुल गायब हो गई, यहाँ पर भाग्य रेखा है ही नहीं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जीवन में पैसा आना बंद हो जाएगा, बट हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रगल बढ़ता चला जाएगा। भाग्य रेखा में मजबूती नहीं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में। बट अगर भाग्य रेखा को छोड़ें तो अगर आपके हाथ का कलर देखें तो हाथ का कलर पिंकिश या फिर गुलाबी मुझे आपके हाथ में दिख रहा है। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा पैसा कमाएगा, जरूर कमाएगा, पर ऐसा भी है कि रेखा कभी भी एक जैसी नहीं रहती। अगर आप भाग्य रेखा में दम नहीं है तो मैं आपको रेमेडीज दे दूंगा जिससे कि आपकी भाग्य रेखा सुधरेगी और आपको आगे चल के आपको अपने जीवन में अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। मैं आपको भाग्य रेखा को मजबूत करने कुछ रेमेडीज दूंगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है भाग्य रेखा में मजबूती खत्म हो रही है। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितनी मजबूत भाग्य रेखा है, और यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या भाग्य रेखा में कुछ मुझे नहीं दिख पा रहा है। दूसरा, आपने बताया कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है। देखिए, जिस प्रकार की आपके हाथ की रेखाएं हैं, गुरु आपके हाथ में अच्छे हैं, शुक्र भी अच्छे हैं, तो मैं इतना मान सकता हूँ कि आपको अपने वैवाहिक जीवन में समस्या नहीं आएगी। अगर समस्या आ रही है तो मैं आपको कुछ रेमेडीज दूंगा। ओवरऑल कोई बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या मैं आपके हाथ में, आपके वैवाहिक जीवन में नहीं देख पा रहा हूँ। अगर आप खुद ध्यान देते हैं, खुद कोशिश करते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चले, मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी ना आए, तो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी बहुत परेशानियाँ झेलने के बाद, थोड़ी कमी आप में है, थोड़ी कमी उनमें है, थोड़ी समस्याओं को झेलने के बाद आपकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अगर आप खुद ही खुश नहीं है, खुद ही अगर आप चीट कर रहे हैं तो फिर दिक्कत बन सकती है। बट अगर आप एक दूसरे के लिए लॉयल बने रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं, पूरी तरफ से अपना पूरी पूरी अपनी तरफ से अपना पूरा प्रयास करते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चले, तो मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी। आपके हाथ में रेखाओं में मैरिज लाइफ में दिक्कत नहीं देख पा रहा हूँ। अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा तो मिलकर बैठ के बात की, आपकी समस्या जरूर से जरूर उसमें आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी जो बन रही है वो सुलझ जाएगी, वो फिर खत्म हो जाएगी, परेशानी आपको नहीं आने वाली रहेगी, कोई परेशानी जो बन रही है वो नहीं आएगी। इसके अलावा रेखों में मैं ऐसी कोई मैरिज लाइफ में दिक्कत नहीं देख पा रहा हूँ। अगर थोड़ी परेशानी आ रही है तो कुल मिल बैठ के बात कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद अगर आपके हाथ का ओवरऑल हाथ देखा जाए तो देखिए आपका बहुत ही सिंपल है। क्यों? देखिए, जिस हाथ में रेखा ज़्यादा होती है उसका एनालिसिस करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन आपके हाथ में क्या मैं देख पा रहा हूँ, 1 2 3 और 4, बस ये 4 रेखा ही मुझे आपके हाथ में दिख रही है। इसके अलावा कोई 5 एक्स्ट्रा रेखा है ही नहीं, तो वीडियो थोड़ी छोटी हो सकती है क्योंकि हाथ में रेखा ज़्यादा है ही नहीं। जीवन रेखा को देखेंगे, जीवन रेखा आपकी सही है, अच्छी है, मजबूत है, बट जीवन रेखा यहाँ तक होनी चाहिए थी, लेकिन आपके हाथ में जीवन रेखा भी यहीं तक दिख रही है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन रेखा छोटी है, जल्दी खत्म हो गई है जीवन रेखा तो आपका जीवन छोटा रहेगा, बट हाँ, अगर जीवन रेखा छोटी है तो देखिए समस्या तो आती है, चाहे फाइनेंशियल आए, चाहे फैमिली वाइज आए, चाहे आपके पैसे को लेकर आए, बट समस्या आती ही आती है। इसके कुछ रेमेडीज रहते हैं, मैं आपको दे दूंगा, रेमेडीज डेली करते रेगुलर करते तो आपको उससे अच्छा लाभ मिलने वाला रहेगा। इसके साथ साथ ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा मजबूत नहीं है बट रेमेडीज करने पर लाभ मिलेगा। शनि पर उतर आएंगे तो वी साइन बन रहा है, शनि पर वी साइन अच्छा होता है, काफ़ी बुढ़ापे के लिए शुभ माना जाता है। बुढ़ापे में संतान द्वारा सेवा होना, स्ट्रगल परेशानी दिक्कत ना होना, बुढ़ापा आरामदायक जाना,
इस बात के संकेत देती है। शनि पर तो वी साइन जब होता है, शनि पर वी साइन शनि के प्रभाव को ज्यादा बढ़ा देता है। आपने सुना भी होगा कि शनिदेव को कर्म फलदाता शनिदेव कहा जाता है। ये कर्मों के दाता होते हैं, जो कर्मों का फल होता है वो व्यक्ति को प्रदान करते हैं। इनका आप पर गहरा प्रभाव रहेगा। तो अगर आप कभी किसी से धोखाधड़ी करते हैं, कभी किसी से बेईमानी करते हैं, कभी किसी की बद्दुआ लेते हैं, कभी किसी का दिल दुखाते हैं और कभी किसी से अनावश्यक झूठ बोलते हैं, अगर व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो व्यक्ति को उसका नुकसान तुरंत देखने को मिलता है। मान के चलिए कि अगर आपके जीवन से आपसे कोई गलती जानबूझकर होती है तो आपको उसका दुष्प्रभाव तुरंत देखने को मिलेगा। ये इस बात की मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ। सूर्य का चित्र भी ठीक है, एक अच्छी सूर्य रेखा मौजूद है। सूर्यदेव की आराधना कर अपने घर के बड़े बूढ़ों की सेवा कर आपका बड़ा भाग्योदय होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। सुबह सुबह उठकर घूमने जाइए, सुबह सुबह उगते हुए सूर्यदेव को प्रणाम कीजिए, सूर्यदेव को नहाने का जल चढ़ाइए, उसके बाद आपको फायदा मिलेगा। जो सूर्यदेव की अवस्था है आपके हाथ में और मजबूत होगी और आपको इससे अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। यहाँ पर आपके हाथ में बुद्ध का चित्र ठीक ठाक है, बुद्ध में के चित्र में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको अच्छी व्यवहारिक क्षमता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कम से कम 4 से 5 रेखा होनी चाहिए थी। नॉर्मली मैंने मेजरली 6-7 रेखा देखी है तो वैसे व्यक्ति बहुत बड़े व्यापारी बने, बट 4-5 रेखा भी ठीक होती है। लेकिन आपके हाथ में यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 1-2 ही रेखा मुझे दिख रही है, 3 या 3 रेखा इनको कहेंगे। देखिए ये रेखा इतनी कम हो तो समस्या आती ही आती है, किसी ना किसी रूप में समस्या आती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में जानबूझकर या फिर जल्दबाजी में कुछ ऐसे निर्णय लेता है कि व्यक्ति को व्यापार में नुकसान होता है। तो व्यापार में जिस प्रकार की आपकी रेखा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको और मेहनत लगानी है। अगर आप कभी पीछे रहेंगे तो व्यापार में केवल मेहनत की वजह से पीछे रहेंगे। व्यापार में मेहनत लगाइए, कुछ ना कुछ दिमाग लगाइए, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। क्योंकि हाथ में इस प्रकार कोई रेखा नहीं है, हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि भाग्य का कमजोर है, बट ओवरऑल अगर व्यापारी क्षमता देखी जाए तो रेखाओं की वजह से कमजोर पड़ रही है, तो मेहनत ज्यादा मांग रहा है आपका व्यापार। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, आपके हाथ में समझदारी का इशारा करती है कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन कभी जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर या फिर भावनाओं में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेने वाला होता। यहाँ पर आपके फेलेंजेस जो है हल्के से खुल गए हैं, चारों फेलेंजेस खुल गए हैं। जब फेलेंजेस खुलें आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में, आप मान के चलिएगा कि व्यक्ति जितना पैसा बचाना चाहता है उतना पैसा बचा नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं समस्या आती ही आती है। पैसा ज्यादा खर्च होना और सेविंग्स में लाभ ना मिल पाना, ये समस्या रहती है। शुक्र का चित्र आपके हाथ में ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंगूठा आपका सही है, हल्का सा पतला है अंगूठा यहाँ से, तो इंट्रोवर्ट नेचर या फिर व्यक्ति तो कहीं ना कहीं आपको फ्रेंडली नेचर देगा। व्यक्ति फ्रेंडली नेचर वाला होता है और मित्र रिश्तेदारों की संख्या एवं उन्हें घुलना मिलना व्यक्ति ज्यादा कर लेता है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, तो आपको इन्वेस्टिंग से फायदा मिलेगा। जहाँ जहाँ अपना टाइम या फिर पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ से फायदा मिलेगा। यहाँ पर मणिबंध पर आपके हाथ में 3 से 4 रेखा मौजूद है, ये अच्छी रेखा होती है, अच्छा साइन देती है, अच्छा प्रभाव, ये अच्छी रेखा होती है, अच्छा प्रभाव देती है। मणिबंध पर 3 से 4 रेखा होना इसका मतलब आप मान सकते हैं आपको इसके और अच्छे शुभ लाभ मिलने वाले रहेंगे मणिबंध पर जब ये रेखा होने लगे। तो व्यक्ति अगर सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4:10 का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है, अगर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, भगवान महादेव की भक्ति करता है, तो वैवाहिक जीवन में सफलता मिलती है और व्यक्ति को फाइनेंशियली भी सफलता मिलती है। तो संकेत आपके हाथ में दिक्कत वाली बात के तो संकेत आपके हाथ में किसी तरह के मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बाकी अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो उठ जाइए, उठकर अगर आप भगवान का नाम जाप करते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला रहेगा इस तरह के कार्य कर। ये आपके हाथ की हृदय रेखा है, हृदय रेखा अच्छी है, मजबूत है, शनि पर रुक गई है। देखिए शनि पर जब हृदय रेखा रुक जाए तो समस्या देती है। क्या शनि पर रुकी हुई हृदय रेखा व्यक्ति को कहीं ना कहीं मनी माइंडेड बनाती है, मनी माइंडेड होता है। इसके अलावा व्यक्ति पैसे को टॉप प्रायोरिटी देता है। मैंने उन व्यक्ति को इस तरह भी देखा कि व्यक्ति अपने जीवन में पैसे को इतना टॉप प्रायोरिटी देते हैं कि 70-70 वर्ष की उम्र में व्यक्ति अपने जीवन में पैसा कमाने अपने जॉब अपने बिजनेस पर जाते हुए देखे। तो ये चीज़ रहता है व्यक्ति मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा होता है, व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर भी पैसा कमाने के बारे में सोचता है, ये चीज़ रहती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होते हैं, सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी रहती है। आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें बताऊंगी बट बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी। तो ये योग भी आपके हाथ में बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। और देखते हैं आपके हाथ में जो आपकी ये जहाँ पर रुक गई है, तो कहीं ना कहीं देखिए व्यक्ति करियर ओरिएंटेड होता है, करियर को टॉप प्रायोरिटी देता है, करियर के लिए व्यक्ति किसी भी तरह की मेहनत कर सकता है। थोड़ा स्वार्थी भी संकोचर भी ये रेखा बनाती है। मस्तिष्क रेखा आपकी सही है, हल्की सी बैंड हो रही है, हल्की सी घूम रही है। मस्तिष्क रेखा जब बैंड होने लग जाए आप समझ सकते हैं कि ये आपको धार्मिक बनाएगी, आप धार्मिक व्यक्ति हैं और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक बनते चले जाएंगे। धार्मिकता आपके जीवन चरम सीमा पर रहने वाली रहेगी बुढ़ापे के अंदर, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे आपकी रेखाओं में नहीं दिख रही है। ये अगर आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा से मैंने पहले बताया था जीवन का छोटी पड़ गई है, तो जीवन रेखा भी समस्या मुझे दिख रही है।
तो मैंने आपके पाम कंचेस पूरा कर दिया है। आपके पाम के हेलेट क्या है? आपके पाम के हेलेट ये है, रेखा अच्छी है, मजबूत है, हाथ में कम रेखा है, तो कम रेखा यानी कम झंझट, कम टेंशन, कम परेशानी। बट ये है कि अगर हाथ में रेखा कम है, चार रेखा है, उनमें सबसे जो मेजर रेखा होती है भाग्य रेखा, वो मजबूत नहीं है, जीवन रेखा छोटी है। अगर मैरिज लाइफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो रेमेडीज मैं आपको दे दूंगा, बाकी खुद ही कोशिश कीजिए कि आपकी मैरिज लाइफ सुधर जाए। जब तक देखिए, उपाय 20% प्रभाव डालते हैं, खुद के डिसीजन 80% प्रभाव डालते हैं। तो अपने डिसीजन आप लेंगे, आपको खुद को पता होगा कि आप कौन गलत है, क्या गलत है मैरिज लाइफ में। तो मेरी तरफ से एडवाइस ये रहेगी कि आप खुद कोशिश कीजिए कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चले, बाकी रेमेडीज दूंगा, उनसे प्रभाव पड़ेगा। आपके जो डिसीजन है वही मैटर करेंगे, आप अपने वैक जीवन में किस तरह कोशिश करते हैं अपने वैक जीवन को सही चलाने के लिए, वो ज़्यादा मैटर करेगा। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, कोशिश कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। रेमेडीज जो आपको दूंगा वो मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा वीडियो देखने के बाद ही, कि आप मुझे भाग्य रेखा और जीवन रेखा की रेमेडी दे दीजिए। जीवन रेखा का मंत्र मैं आपको दूंगा, भाग्य रेखा की रेमेडी दूंगा। वो दो रेमेडीज अगर आप डेली करते, रेगुलर करते, तो आपको लाभ मिलेगा। आपको रेमेडीज हमेशा करनी रहेंगी। अगर मैं आपसे 20 साल बाद पूछूँ कि क्या आप मेरी दी गई रेमेडीज डेली कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा। तो रेमेडीज डेली कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कोई डाउट कोई रह जाए वो भी व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, अपना रिव्यू लिख दीजिएगा, क्या आप एनालिसिस सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा सब बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।